हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टार पायल वत्स में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और गाते बजाते व्यस्त होंगे। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एकदम चटाकेदार लेसन लेकर आई हूँ। क्यों? आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि जब आप किसी भी भजन में ताल बजाते हैं तो आप किस तरीके से दो ताल, अगर आप एक ही भजन में एक एक नहीं दो दो ताल का जब आप यूज करते हैं और थपाक का आप यूज करते हैं तो कितना अच्छी लगता है वो भजन और कितनी अच्छी लगती है हमारी ताल। तो यही मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से आपने यूज करना है। मतलब आपको ताल मान लीजिए एक नहीं दो नहीं तीन आती है तो आप एक ही भजन में दो दो ताल को कैसे लगा सकते हो और कैसे थपाक का यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर आप एक ही तरीके की ताल बजाते हो तो अच्छी नहीं लगती है। तो आज मैं आपको दो ताल बजाना सिखाऊंगी, एक ही गाने के अंदर एक साथ हम कैसे गाएं उसके साथ और कैसे उसके साथ मिक्स करें थपाक को भी। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ और फिर आप मतलब उसके साथ थोड़ा सा आप उसे बजाइए और थोड़ा सा आप दूसरी वाली ताल को बजाएंगे तो कितना अच्छा लगता है एक ही गाने पर, ये मैं आपको सिखाने के लिए आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको ताल के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि कौन सी वो दो ताल है। तो देखिए, बेस पर आपने यहाँ पे बजाना है एक दो तीन चार, 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 ऐसे बजाना है। और चाटी पर देखिए आपने बजाना है एक दो तीन चार पंच, 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 इस तरीके से आपने चाटी पे बजाना है। अब देखिए इसकी मैचिंग आप कैसे करेंगे, जब आप यहाँ पे बजाते हैं एक दो तीन तो इसके साथ आप चार बजाएंगे। देखिए कैसे एक दो तीन चार, यहाँ पे एक दो तीन चार और एक दो तीन की मैचिंग होगी। कैसे देखिए, पहले आप धीरे धीरे बजाइएगा एक दो तीन, फिर देखिए मैचिंग यहाँ पे एक दो तीन चार, ये वाला हाथ मेरा चार बार बज रहा है और ये तीन, देखिए एक दो तीन चार, और जब आप यहाँ चार बजाएंगे तो यहाँ पर आप बजाएंगे पांच छह। तो देखिए कैसे एक दो तीन चार पंच, एक दो तीन चार पंच, जब ढोलक पर आप बजाएंगे तो देखिए कैसे इस तरीके का इसका आवाज, देखिए कितनी खूबसूरत आवाज निकल कर आ रही है, एकदम धमाकेदार आवाज। तो ये तो हो गई हमारी पहली ढोलक ताल जो मैंने आपको सिखा दी है। अब आप इसमें देखिए छोटी सी थपाक में आपको बताती हूँ, आपने यहाँ पर बजाना है एक एक इस तरीके से, और यहाँ पर फिर आप बजाएंगे दो, और फिर यहाँ पे चार। तो देखिए कैसे एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, बेस पर सिर्फ आपने एक बार बजाना है। आप इसको किसी भी गाने पर बजाइए, और जो आज आपको ताल में आपको सिखाने के लिए आई हूँ आप इसे किसी भी गीत गाने भजन पर बिल्कुल आंख मीच के बजा दीजिए, आपका भजन गीत गाने इतने खिलकर उठेंगे कि कोई भी उठकर आपकी ढोलक पर डांस करने लगेगा। तो देखिए आपने कैसे यहाँ पर बजाना है एक दो तीन, एक दो तीन चार, कैसे इस तरीके से थपाक बजानी है आपने। अब मैं आपको बता रही हूं दूसरी ताल जो आपने कैसे बजानी है। देखिए यहाँ पे आप बजाएंगे एक दो, बेस पर आप बजाएंगे देखिए एक दो, और चाटी पर आपने बजाना है तीन, और फिर आप बेस पर बजाएंगे चार, और फिर पांच छह सात, पांच छह सात, देखिए ऐसी आपने ना घुमा के बजाना है आपको, पांच छह सात, 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 इस तरीके से। तो देखिए कैसे एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ देखिए कैसे एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात, एक दो तीन चार पांच छह सात। अगर आप नए हैं चैनल पर और पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियोस को तो जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को, इसी तरीके की वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, आपको बिल्कुल ढोलक बजाने आ जाएगी। अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियोस आप देखिए जो मैंने पहले डाल रखे हैं, बिल्कुल आपको ढोलक ताल इतनी अच्छे से आपकी बजने लगेगी कि आप भी कहेंगे वाह क्या गजब हो गया। तो देखिए आपने यहाँ पर मैंने आपको बताया एक दो तीन चार पाँच छह सात, एक दो तीन चार पाँच छह सात, एक दो तीन चार पाँच छह सात। अब
जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पहले वाली ताल बताई और ये दूसरी ताल बताई है, और इसमें मैंने आपको थपाक बताई है, पर एक ही गाने में हम इन तीनों को एक साथ कैसे लगाएंगे ताकि हमारा जो गाना है, हमारा जो ढोलक है, वो बहुत ही खूबसूरत लगे, अच्छी लगे। तो आप ध्यान से इसको समझिएगा। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत हुई है कि अगर आपको लगे मैंने जल्दी जल्दी ये वीडियो बनाई है, जल्दी जल्दी समझाया है, तो ये वीडियोस मैंने धीरे धीरे भी बता रखी है। आप मेरे चैनल पर जाएं, वहां पे जाके आप सीख सकते हैं। तो देखिए, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, तो देखिए आप दोनों तालों को कैसे यूज करेंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बताऊंगी, फिर यहाँ बजा के बताऊंगी। पहले आपको थोड़ा सा बजा के बताती हूँ, देखिए तीनों चीजों में कैसे लगाऊंगी। देखिए, देखिए मैंने एक ही लाइन गाई है, और एक लाइन में मैंने जो मैंने आपको पहली ताल सिखाई थी वो भी बजाई है, और जो थपाक मैंने आपको बताई थी वो भी मैंने बजाई है, और जो दूसरी वाली ताल थी वो भी मैंने इसके अंदर बजा दी है। तो देखिए कैसे मैंने बजाई है। जैसे मैंने गाना स्टार्ट करा, देखिए सबसे पहले मैं पहली वाली ताल बजाऊंगी, फिर इसमें थपाक लगाऊंगी, और फिर दूसरी वाली ताल। देखिए कैसे, जैसे भजन चल रहा था हमारा, देखिए मेरे घर तुम आना मेरे बाके तक, देखिए मैंने थपाक भी लगा दी, और फिर इसके बाद मैं जो दूसरी ताल है उसे बजाऊंगी। ध्यान दीजिएगा, देखिए मेरे घर तुम आना मेरे बाके बिहारी, ये देखिए मैंने दूसरी वाली ताल बजा रही हूँ। इस तरीके से जब आप गाने गाते हैं और अब आप एक ताल की जगह दूसरी ताल भी लगाते हैं तो बेहद खूबसूरत लगता है आपका भजन गीत गाना। तो देखिए कैसे, दोबारा से सुनिएगा, मेरी घर तुम आना मेरे बाके बिहारी, मेरे घर तुम आना मेरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मेरे कुंजे बिहारी, मेरे घर तुम आना मेरे बाके बिहारी। इस तरीके से देखिए आप धीरे धीरे पहले आप ताल को बजाना सीखे। किस तरीके से मैं लय बताती हूँ, लय का आपने सबसे ज्यादा ध्यान देना है। किस तरीके से मैं काउंटिंग बोलती हूँ उसी तरीके से आप बजाइए। फ्रेंड्स, मेरा दूसरा भी चैनल है पायल वत्स गाने के नाम से, उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। उस पर मैं गीत गाने नए नए डालती रहती हूँ, डेली डालने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करा करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंचे और आप भी ढोलक बजाना सीखें, गाएं बजाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद, नमस्ते।